मेरा नाम सुनहरा है, मैं फिल्म सर्वे की तालिबान। एक मुझे टीवी चैनल के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे गेट को और दीवार को प्लान के अंदर आए हैं और उन्होंने हमारे इदारे की जो चार दीवारी है उसके तकद्दस को पामाल किया और उन्होंने हमारे स्नैप से वह बनाई जो कि बहुत बुरी बात है। और जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि हम सब उनकी बेटियों के बैसे हैं मगर फिर भी उन्होंने बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं किया और हम इस इलाके की बहुत ज्यादा मसाहत करते हैं। हम लोग 180 स्टूडेंट्स जिन्हें इस इदारे से इसकी प्रिंसिपल से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ एक जो 14 के स्टूडेंट है हमारा चना उन्हें किसी की पुष्ट नहीं हासिल है, ठीक है। और वो जो है वो इस इदारे के रूल्स को ब्रेक कर रही हैं और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरा नाम सदन, मेरा थर्ड क्लास स्टूडेंट, हम लोग 180 स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना अपने प्रिंसिपल से ना अपने मास्टर से। जो है निजी चैनल जो है वो दोबारा खुला के लिए कौन सी सहाफत है कि मुंह खा के एक स्टूडेंट जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं और चले आ रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना है। उन्होंने अच्छा नहीं किया सारा कुछ। यासमीन है मेरा और मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं तकरीबन यहाँ पे 3 साल हो गए रहते हुए और ये जो भी टीवी चैनल्स पे बात चल रही है हमारे खिलाफ, हमारे स्कूल के खिलाफ, हमारे प्रिंसिपल साहबा के खिलाफ, ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है। हमें यहाँ पे 3 साल हो गए, हमें कभी पानी खाने बिजली वगैरह का कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ पे हमसे कोई गलत काम नहीं कराया जाता। डेली हम लोग 2 कुरान-ए-पाक खत्म करते हैं और उसके बाद ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कुछ शर्त पसंद नासिर जो है उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और हम इस बात का हल्फिया अभी इकरार कर सकते हैं कि हमारी मैडम साहबा जो है वो बहुत अच्छी हैं और ये जो सब कुछ हुआ है ये बहुत गलत है और ये बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए था और हम लोग इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। आप लोगों को यजमान बनाया गया इसके हवाले से और दूसरा कि आप लोगों को डांस पे मजबूर किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको लग रहा है कि हम यरोमाल बनाए गए हैं? हम बिल्कुल भी यरोमाल नहीं बनाए गए। अखबारी रिपोर्टर्स वगैरह और जो कैमरा मैन थे जो मीडिया टीवी चैनल्स के, उन्होंने दीवारें फटांगी हैं प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर। रूल तोड़ा ना उन्होंने एक इदारे का, हर इदारे का एक रूल होता है। बगैर इजाजत के उन्होंने दीवारें फटांगी और हमारे हॉस्टल के अंदर वो घुसे हैं, ताले तोड़े उन्होंने गेट्स के, गेट उन्होंने खोला। ये सब कुछ बगैर लीगल तरीके से नहीं हुआ, ये सारा कुछ इलीगल तरीके से हुआ और हम जो है वो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। जब हम लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 स्टूडेंट हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो 2019 है स्टूडेंट उन्हें यहाँ पे ज्यादा मसला है, सब झूठा है। और मेरा चैनल है उसके चाकू जो है उन लोग कर रहे हैं कि आप लोग ये करो, ये सब कुछ उनके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है उसकी वजह से हमें अपने हॉस्टल से, अपनी मैडम साहबा से, हमें अपनी मैडम साहबा ही चाहिए। अगर प्रिंसिपल चेंज होंगी तो हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। हम ये 180 जो स्टूडेंट है हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी। हम भी यहाँ से जाएंगे। पहले दिन यहाँ पे एक मर्द जो है प्रिंसिपल से उनकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन जब से हमारी मैडम साहब आएंगे हमें तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये तो कोई नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जाए, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि यहाँ के मैडम जो आपके प्रिंसिपल हैं इदारे की वो आपको निजी महफिलों में डांस पे मजबूर करती है, इसकी क्या मतलब? नहीं, झूठ है, बिल्कुल बकवास। आज तक इस तरह नहीं हुआ, ना हम लोग को कभी कंध भेजा गया और ना यहाँ पे कोई आया है। उन्होंने जो दर्द सहाफत, उन्होंने जो कहा है जो हम लोग निजी सरगर्मियां करते हैं, हम लोग तो 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं, हमें क्या जरूरत है ऐसी सरगर्मियों में जाने की। और जो उन्हें इल्जाम लगाया कि हमें ऐसी सरगर्मियों में भेजा जाता है, हम लोग की अपील है कि उनको बुलाया जाए, उनसे पूछना कि किस वक्त डेट हमें चाहिए, टाइम चाहिए, कहाँ इनको भेजा गया निजी सरगर्मियों के लिए। हम लोग तो इतना मशरूफ नहीं, हमारा प्रोफेशन है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल जाना, अपनी स्टडी को देखना, अपने दीगर हम लोग जो जरूरियात होती है उनको करना। हम लोग ने कहाँ टाइम है कि हम लोग निजी सरगर्मियों में जाए। और ये जो बाजियों ने बाजिया तो उनको क्या है, लेकिन हम फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो निजी चैनल ये बयान दे रहे हैं, इन लोगों के साथ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग बारे में ऐसी कोई बात नहीं होती। और जिन लोगों ने किया है उन लोगों को प्लीज टर्मिनेट किया जाए यहाँ से, साथ ही बाकी जो स्टूडेंट है उनको उनके रेपुटेशन खराब ना की जाए। जो 18 तालबात हैं उन्होंने शिकायत की थी, अब इस हवाले से पूछते हैं यहाँ के बावर्ची अरशद महमूद से कि वो क्या इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर 18 तालबात जो है वो किसी के कहने पर उन्होंने ये ड्रामा बनाया हुआ था और 193 बच्ची जो है वो बिल्कुल खाने पर मुतमिन है और उनको बहुत मियारी और अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे चिकन, मुर्गा और सब कुछ पकता, चावल।